Subscribe my channel Everything at One Place and click on bell icon button to watch the latest videos of this channel. Hello friends, my name is Ishan and you are watching my channel Everything at One Place. दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको तीन बहुत ही धमाकेदार टेक अपडेट्स देने वाला हूं, जिसमें सबसे पहला अपडेट रहेगा दोस्तों 13 मोबाइल नंबर्स का। जो आपने सुना होगा कि मोबाइल नंबर जो है वो 13 नंबर्स के हो जाने वाले, 13 डिजिट के हो जाने वाले हैं, तो उस बारे में आपको बताऊंगा कि उसका लेटेस्ट अपडेट क्या है। और दूसरी चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों कि अकॉर्डिंग टू दी स्टेट ऑफ LTE हमारा जो स्टेट, हमारा जो कंट्री है वो 4G नेटवर्क एवरेज डाउनलोड स्पीड में कहाँ स्टैंड करता है और कैसे। और दोस्तों मैं तीसरी चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ कि गूगल जो है वो अभी प्ले स्टेशन में भी अपना हाथ डाल रहा है। तो दोस्तों गूगल जो है वो गेम्स भी जो है ना लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें आप जैसे कि प्ले स्टेशन है, Xbox है, तो इस तरीके से गूगल जो है वो गेम्स अभी अपना हाथ डालने की कोशिश कर रहा है। तो ये तीनों अपडेट्स मैं आपको दूंगा जो कि बहुत अहम अपडेट्स। सो फ्रेंड्स विदाउट फर्दर अडू Let's get started. तो दोस्तों मैं शुरुआत करूंगा 13 डिजिट मोबाइल नंबर से। तो यहां पर सबसे पहले आपको पता लगा होगा कि एक रूमर्स आया था कि जितने भी मोबाइल नंबर्स हैं वो 13 डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। तो दोस्तों ये सिर्फ एक रूमर्स थे, ऐसा कुछ नहीं है। 13 नंबर्स, 13 डिजिट में तो नंबर्स कन्वर्ट होने वाले हैं, लेकिन जो आपके वो नॉर्मल सिम है वो कन्वर्ट नहीं होने वाले। जो M2M सिम कार्ड्स है, मशीन टू मशीन सिम कार्ड्स है, उनके जो नंबर्स है वो 13 डिजिट में कन्वर्ट होने वाले हैं। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने जो न्यूज़ दी है, मतलब जो पास ऑन किया, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम की जितने भी M2M के नंबर्स है वो 13 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और इसकी जो डेडलाइन दी गई है वो 31 जुलाई तक दी गई है, मतलब 31 जुलाई से ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और प्लस जितने भी एग्जिस्टिंग नंबर्स है वो सब माइग्रेट हो जाएंगे 13 डिजिट में, और जितने भी एग्जिस्टिंग नंबर्स है वो 1st of October तक जो है ना वो 13 डिजिट में माइग्रेट हो जाएंगे, 13 डिजिट नंबर्स में माइग्रेट हो जाएंगे। और इन सब इस पूरे प्रोसेस की जो डेडलाइन दी गई है वो दी गई है 31st of October, मतलब ये साल की आखिर तक। तो ये साल के आखिर तक दोस्तों जितने भी नंबर्स है M2M के वो 13 डिजिट में माइग्रेट हो जाएंगे। तो आपका मोबाइल नंबर दोस्तों 13 डिजिट में नहीं जा रहा है, ये M2M सिम कार्ड से जो मशीन टू मशीन सिम कार्ड है ये उनका मोबाइल नंबर जो है ना वो 13 डिजिट में जा रहा है। अगर आप चाहते हैं, अगर आप पता करना चाहते हैं कि नॉर्मल सिम कार्ड में और M2M सिम कार्ड में क्या फर्क है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना सकता हूं। उसकी तरफ और दूसरी न्यूज़ मैंने आपको बताया था कि जो है कंपेयरिंग टू अदर कंट्रीज 4G कनेक्टिविटी में, 4G कनेक्टिविटी नहीं बोलूंगा स्पेसिफिकली, जो मतलब 4G डाउनलोड स्पीड में जो एक एवरेज स्पीड 4G की होनी चाहिए उसमें इंडिया एकदम बॉटम पे है दोस्तों। तो ये बहुत ही अफसोस की बात है कि इंडिया जो एकदम बॉटम में रैंक किया गया है। अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ LTE इंडिया इज द 14th कंट्री फॉर 4G अवेलेबिलिटी, मतलब 4G अवेलेबिलिटी होने के बावजूद भी मतलब 14वें पोजिशन पे है इंडिया 4G अवेलेबिलिटी में, और उसके बावजूद भी स्पीड। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे दूसरे न्यूज़, तीसरे न्यूज़ की तरफ, और जो बहुत ही अहम न्यूज़ है स्पेसिफिकली गेमर्स के लिए, और मैं भी एक बहुत मतलब बोलेंगे ना डाहेड फैन हूँ गेम का। और एनी विच वेज यहाँ पर न्यूज़ आ रही है कि गूगल ने भी जो है ना अपने आप को, अपना हाथ जो है ना एक बार गेमिंग में साफ करने की कोशिश की है, मतलब का। तो दोस्तों गूगल में भी जो आप गेम्स प्ले करते हैं, जैसे आप प्ले स्टेशन में गेम्स प्ले करते हैं, एक्सबॉक्स में आप प्ले गेम्स प्ले करते हैं, तो गूगल जो है वो भी गेम्स लॉन्च करने जा रहा है दोस्तों। तो उसका उनके ऊपर काम चल रहा है, ऐसा अपडेट मिला है। तो दोस्तों आप गूगल्स में गेम्स कैसे प्ले करेंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ कि गूगल्स में जो है, जैसे कि कंसोल्स होते हैं, आपने जैसे मैं कंपेयर करूँगा कंसोल्स होते हैं, प्ले स्टेशन का कंसोल है, एक्सबॉक्स का कंसोल है, तो इसी हिसाब से दोस्तों गूगल का कंसोल क्या है मालूम है? क्रोमकास्ट। तो दोस्तों क्रोमकास्ट से जो है ना आप गूगल्स के गेम्स को स्ट्रीम कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर गूगल क्या बता रहा है कि आपको गेम्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको स्ट्रीम कर सकते हैं। समझाने के तौर पर आपको बता देता हूँ, जैसे कि येटी है, आप येटी के बारे में सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं समझाने के तौर पर बता देता हूँ कि येटी के जो गेम्स और वहाँ पर जो है ना गेम्स डेवलप होंगे गूगल्स के, और उन्होंने जो है ना गेम डेवलपर से जो है ना गूगल्स ने जो है ना दूसरे गेम डेवलपर से कुछ बारे में कुछ बात भी करी है, अभी उनकी बात चल रही है। तो दोस्तों येटी से जो है ना गेम्स स्ट्रीम होंगी गूगल में सीधा क्रोमकास्ट में, और आप उसको डायरेक्टली अपने LCD पे या अपने TV पे देख सकते हैं, स्मार्ट TV पे, या खेल सकते हैं दोस्तों। तो जैसे कि आपको मालूम है क्रोमकास्ट क्या है दोस्तों, वो तो एक आपको अपने LCD पे कनेक्ट करना होता है, और उसके बाद में जो है ना आप अपने LCD स्मार्ट TV यूज़ कर सकते हैं। तो इसी हिसाब से दोस्तों क्रोमकास्ट में ये फैसिलिटी है, अभी कुछ गेम्स मेरे ख्याल से ऑलरेडी स्ट्रीम्स हो भी रहे हैं। तो गूगल यहाँ पर क्लेम कर रहा है कि आपको जो है ना हैवी गेम्स डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि गेम्स हो गए मान लीजिए प्ले स्टेशन के जो गेम्स हो जाते हैं, एक्सबॉक्स के गेम्स हो जाते हैं, कितने हैवी गेम्स है 30GB 40GB, तो ये गेम्स आपको गूगल में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली इसको स्ट्रीम करके आप इसको प्ले कर सकते हैं क्रोमकास्ट के थ्रू। तो दोस्तों ये थी हमारी टेक न्यूज़ इस बार की, और ये थी हमारे टेक अपडेट्स मैं आपको बोलूंगा इस बार का। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि आपको कौन सा टेक अपडेट अच्छा लगा,
और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे टेक अपडेट्स की वीडियोस बनाता रहूं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, तो इंशाल्लाह मैं ये आगे कंटिन्यू रखूंगा। और दोस्तों प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और आप इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि जो चीज़ आपको पता लगी वो चीज़ दूसरों को भी पता होनी चाहिए। तो दोस्तों सब्सक्राइब तो चैनल को बनता है प्लीज़, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, इंशाल्लाह हमको और मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाल्लाह। टिल देन।